जाने की धोने का काम करता है। गंगा जी से इस पार से जैसे निकालता है दूसरी पार में ले जाकर के बेच देता है। क्या काम? एक मजदूर गंगा मैया से जैसे निकालता है, गद्दे पर ढूंढता है और चलता है बेच बेच के। हर आदमी का अपना एक रोजगार है। तो मजदूर का नित्य प्रतिदिन का काम हमारा है, रोज गंगा मैया से रेती निकाले और रोज धोने धोता और बेचने के लिए निकल पड़ता। तो कहते हैं कि काफी समय बीता, उनको अपने जीवन में एक दिन सुबह केला में पत्थर मिला, बड़ा ही सुंदर पत्थर, चमचमाता हुआ पत्थर मिला जो दूर से ही रोशनी डाल रहा। कहते महाराज अगर उसको अंधेरे में रख दो तो पूरे कमरे में प्रकाश माने चांदना हो जाता है। तो महाराज ऐसा सुंदर जब पत्थर उसको मिला तो उसने उठा करके देखा, महाराज ये इतना अनमोल पत्थर है, बड़ा सुंदर है। क्योंकि गंगा मैया में आप जाओगे या कैसे भी आप नर्मदा नदी में चले जाए, गंगा मैया चले जाए, समुद्र में चले जाए, तो मोती रत्न जो है हमें अधिकतर उत्तराखंड के क्षेत्र से ही मिलते हैं, या जहाँ जल प्रवाह है वहाँ आपको अधिकतर चीजें मोतियाँ या सिक्की है ये सब चीजें मिल जाती हैं। शम्स भी आपका वहीं से, एक जीव होता है जिसमें से शम्स एक बॉडी है उसके अंदर एक जीव बना होता है। तो जब वो बॉडी पूरी पुरानी हो जाती है, डेड हो जाती है, तो दैट इज बी कन्वर्टेड इन टू द शम्स, जो हम शम्स दान करते हैं। तो मुख्य बात क्या हमारा है, उसको बड़ा सुंदर पत्थर जब मिला तो उसने उस पत्थर को सोचा कि महाराज इस पत्थर का करूँ क्या, मेरी समस्या पड़े हैं। तो सोचा करूँ क्या, रखूँ घर में, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसके दिमाग में आया कि महाराज रोज की रोज जो है इतने सारे मेरे जो सगे संबंधी है, जो सासू है, सबसे सब गधे खच्चर पर रेती ढूंढे थे। तो महाराज 700-800 की तादाद में गधे पर रोज उनकी मंडली जो है मजदूर होगी वो रेती ढूंढ जाए। तो उसके दिमाग में आया कि महाराज कभी कभार गधा आगे पीछे उड़ जाए तो चोर हो जाए, अपने रेती भरी और चलता कर देना उनके संग में और तुमने आनंद लिया ना। तो उसकी एक पहचान बनाने के लिए उसने उस पत्थर को गले में टांग लिया कि भाई ये मेरा खच्चर ही मेरा पशु है। बोल मांगे बिहारी लाल की। तुम्हारा चल दिया। अब चलते चलते दिन बीत गए, लंबा पड़ाव था, समय लंबा था, चलता गया चलता गया। महाराज तो रास्ते में एक बनिया आया और बनिए ने देखा कि महाराज गधा दूर से चमक रहा है। कहते ना लाखों में एक जिसको कह रहे। तो देखा महाराज पूरे गधे की मंडली से, पूरी उस संगत से एक गधा अलग से चमक रहा है, आदमी नहीं चमक रहा है, गधा चमक रहा है। क्यों? उसके गले में एक पत्थर ने महाराज हीरा है। क्या है? रस्ते में मिला हीरा और उसको ज्ञान नहीं था, पत्थर समझकर कर गले में ताबीज बना करके टांग लिया। और वो जब अलग से देखा तो महाराज बनी की बुद्धि 52 बुद्धि बताई जाती है, लेकिन आजकल तो सबकी बुद्धि बोल गोविंद भगवान ने की कोई बनी से कम नहीं है, सब बराबर हो गए। तो महाराज उसने देखा व्यक्ति ने कि महाराज इसके गले में ये अलग सा क्या चीज है, चमक रही जैसे मानो कोई कीमती बेशुमारी की चीज है। तो नजदीक आया, देखा जाकर के महाराज की मजदूर से बात करी कि भाई इसका रखवाला कौन है। जब बात की तो पूछा, बोले महाराज मैं हूं इसका मालिक। बोलो, बोले महाराज ये पत्थर आपको कहां से मिला? बोले मेरे को रस्ते से मिला। बोले सर कोई भाव? बोले मैं इसको खरीदना चाहता हूं। उस बढ़िए ने जो काम व्यापार करता है, हीरो का जवारी रख व्यक्ति और हीरो के जवारी करता, महाराज ये मेरे को दे दो, इसका क्या मोल लगाओगे? उसने कहा महाराज बहुत पुराना समय है और उस समय में 10-12 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती थी। तो उसने बेचारे ने सोचा कि महाराज कितने का होगा, होगा ये 10 रुपए का, 5 रुपए का। तो कहा महाराज आप दे दीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ तो आप 10 रुपए भी लगा दो तो बहुत बड़ी बात है। बोल गोविंद भगवान की, बाबा श्याम महाराज की। बोले महाराज आप इच्छा से 10 रुपए भी दे देंगे तो भी मेरे को लगता है मेरे एक महीने की दिहाड़ी निकल जाए, एक महीने की दिहाड़ी निकलने में मात्र 10 रुपए। उसने सोचा भी शेष आदमी है, 10 रुपए तो दे सकता है। तो कहा महाराज 10 तो नहीं दूंगा मैं इसके। बोले महाराज कितने दोगे? बोले मैं इसके 5 रुपए दूंगा। हम करते ना कभी कोई चीज खरीदते तो कितना दुकानदार बोलेगा उतना नहीं देते, उससे माना तो आधा बोलेंगे। अगर माने 1000 रुपए की कोई चीज बोली तो कहेगी भाई 500 लेते थे, वो कहेगा भाई और दुकान देख लो। फिर सोचेगी नहीं नहीं मैंने ज्यादा कम कर दिया,
700 बोले बीच का हिसाब कि बिना तुम्हारी और ना मेरे बीच का सिस्टम। तो उसने कहा कि महाराज कहा बोले पांच महीने महाराज पांच दस रुपए में एक महीने की जाड़ी देने की इससे तो बढ़िया मेरा नाखों में गला चमकता वो ज्यादा अच्छा है सुंदर तो दिखेगा कम से कम दस रुपए में क्या बोले नहीं देना महाराज चला गया। तो उन्होंने दो तीन बार बोला लेकिन उन्होंने दिया नहीं और आगे चले बोल गोविंद भगवान की। और महाराज कुछ समय बाद कुछ दिनों बाद एक हीरे का व्यापारी एक जोहारी पुनः मिलता और जैसे ही